दोस्तों बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए एक तड़कती भड़कती न्यूज सामने आई है। मेकर्स ने टीजर वीडियो को टाइगर का मैसेज नाम दिया है। इसी साल दिवाली पर रिलीज होने जा रही सलमान खान की मूवी के कुछ पोस्टर अभी तक रिलीज किए जा चुके हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। तकरीबन 300 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 10 नवंबर 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म के टीजर का दर्शकों को काफी वक्त से इंतजार था और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट आई है 27 सितंबर को टाइगर 3 का टीजर वीडियो रिलीज किया जाएगा और मेकर्स ने इस टीजर वीडियो को टाइगर का मैसेज नाम दिया है। इसी साल दिवाली पर रिलीज होने जा रही सलमान खान की मूवी के कुछ पोस्टर अभी तक रिलीज किए जा चुके हैं लेकिन अब टीजर वीडियो के जरिए पहली बार टाइगर 3 की झलक दर्शकों को मिलेगी और फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी एक बार फिर से दर्शकों को एंटरटेनमेंट करती हुई देखने को मिलेगी। पहले पोस्टर के साथ ही मेकर्स ने ये साफ कर दिया था कि फिल्म टाइगर 3 की कहानी शाहरुख खान की फिल्म जवान, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर और सलमान खान की मूवी एक था टाइगर से जुड़ी होगी। यानी अगर आपको टाइगर 3 की कहानी समझनी है तो बेहतर होगा कि आप इन तीनों फिल्मों को देखने के बाद ही सिनेमा घर का रुख करें। इस टाइगर फ्रेंचाइजी की थर्ड सीक्वल टाइगर 3 में विलन का रोल करते हुए इस बार इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं और इस मूवी को बड़ा मसाला मिलाकर बनाया गया है। इसमें एक्शन हाई लेवल का रहने वाला है। इस मूवी में ट्विस्ट और टर्न भी भरपूर रहने वाला है। तो दोस्तों आप भी ये टाइगर 3 मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे उनसे जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।